वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्री हरिचे सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे. नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यमी क्रेविंग्स विद आरएनडी. दोस्तों, कब से मेरे फ्रेंड्स मेरे पीछे पड़े थे कि कुछ मीठा खाना है, मीठा खाना है. तो मैंने सोचा क्यों ना सूजी का हलवे की रेसिपी पेश की जाए. दोस्तों, सूजी का हलवा बनाना बहुत ही आसान है. तो चलिए देखते हैं हमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है. सबसे पहले हमें लगेगा 200 ग्राम सूजी, लगभग 200 ml दूध, लगभग 150 ग्राम शक्कर, एक गिलास पानी, एक टेबलस्पून चिरौंजी, एक पिंच केसर, एक टेबलस्पून किशमिश और लगभग हमने 8 से 10 बादाम जिनको भिगो के रखा था उनके छिलके निकाल के ले लिए हैं और हम उन्हें चॉप करके यूज़ करेंगे. इसके अलावा हमने लिया है 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर. दोस्तों, अब हम केसर को दूध में ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि केसर का फ्लेवर और रंग दूध में उतर आए. हमें दूध सूजी को रोस्ट करने के बाद सूजी में डालना है, तो तब तक हम उसमें केसर मिला के अलग से रख देंगे ताकि दूध का कलर हल्का पीला हो जाए. लो, हमने अब केसर मिक्स कर दिया. अब हम दूध को थोड़ी देर साइड में सेट होने के लिए रख देंगे. दोस्तों, इसके अलावा हमें लगेगा लगभग 3 से 3.5 टेबलस्पून घी, क्योंकि हम सूजी को अच्छे से रोस्ट करने वाले हैं तो रोस्ट करने के लिए हमें घी लगेगा. और हाँ, कुछ महाराष्ट्रियन लोग या साउथ के जो लोग हैं वो सूजी में केले के स्लाइसेस डालकर खाना पसंद करते हैं, स्पेशली जब कोई फेस्टिव ओकेजन हो या घर में कोई पूजा हो, सत्यनारायण की पूजा हो, तो केले के स्लाइसेस डाल के सूजी का हलवा अक्सर बनाया जाता है. तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं हमारी रेसिपी. सबसे पहले हम एक फ्राई पैन लेंगे और गैस को मीडियम से हाई फ्लेम पर रखेंगे. हम पैन में 3 से 3.5 टेबलस्पून घी डालेंगे और उसमें हम सूजी डाल देंगे. दोस्तों, हमें सूजी को तब तक रोस्ट करना है जब तक सूजी का टेक्सचर थोड़ा ग्रैन्यूलर और थिक ना हो जाए और सूजी गोल्डन येलो कलर की ना हो जाए. ये रोस्टिंग प्रोसेस लगभग 12 से 15 मिनट लेगा, तो थोड़ा पेशेंस रखिए. हमें सूजी को अच्छे से रोस्ट करना है, तभी हमारा सूजी का हलवा काफ़ी टेस्टी बनेगा. हमें कंटिन्यूसली चलाते रहना है ताकि सूजी नीचे जले ना. और जैसे ही हमारी सूजी रेडी हो जाती है, यू कैन सी सफ़ेद कलर के फ्यूम्स आना शुरू हो जाता है. इसका मतलब है कि हमारी सूजी अच्छे से रोस्ट हो चुकी है. तो दोस्तों, हम रोस्ट करते रहेंगे. हमें लगभग 10 से 15 मिनट तक सूजी को अच्छे से रोस्ट करना है. ये लो, हमारी सूजी अब अच्छे से थिक हो गई है और गोल्डन ब्राउन भी हो गई है. अब हम गैस को थोड़ा लो फ्लेम पर कर देंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे केसर मिलाया हुआ दूध. दोस्तों, दूध डालने के बाद भी हमें कंटिन्यूसली चलाते रहना है. अब हम ऐड करेंगे बादाम, किशमिश और चिरौंजी. हमें अच्छे से चलाते रहना है ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाए. अब हम एक गिलास पानी ऐड करेंगे और अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे. अब हम शक्कर ऐड करेंगे और
इसी तरह चलाते रहेंगे। हमें लगभग 2 से 3 मिनट तक सारे इंग्रेडिएंट्स को इसी तरह चलाते रहना है ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। गैस को हमने लो फ्लेम पर रखा है और हमें इसलिए कंटिन्यूसली चलाना है ताकि अपना सूजी का हलवा नीचे जले ना। अब हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे और कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। दोस्तों, इस सारे प्रोसेस में सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान में रखिए कि आपको कंटिन्यूसली सूजी को चलाते रहना है, वरना सूजी आसानी से जल सकती है और आपका सूजी का हलवा बिगड़ सकता है। तो ध्यान रहे, आप कंटिन्यूसली चलाते रहें। और हमने नॉनस्टिक फ्राई पैन इसीलिए लिया है ताकि इंग्रेडिएंट्स नीचे चिपके ना। हम अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देख रहे हैं कि पानी ऑलमोस्ट इवेपोरेट हो चुका है। अब हम पैन को लिड से कवर करेंगे और लगभग 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पर हलवे को पकने देंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और ऑलमोस्ट सारा पानी इवेपोरेट हो चुका है। हम अच्छे से चलाते रहेंगे। दोस्तों, अब इस स्टेज में अगर आप चाहें तो बनाना के स्लाइसेस काट के आपके सूजी के हलवे में डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अक्सर महाराष्ट्रियन लोग और साउथ इंडियन लोग सूजी के हलवे में बनाना स्लाइसेस डाल के खाना पसंद करते हैं और वो बहुत ही टेस्टी लगता है, बट कुछ लोगों को बनाना पसंद नहीं आता क्योंकि वो गल जाता है, तो इट इज़ ऑप्शनल। तो लो, बन गया अपना सूजी का हलवा। दोस्तों, एंजॉय कीजिए सूजी का हलवा रेसिपी और अब गैस आप बंद कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाना न भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो कीप वॉचिंग यमी क्रेविंग्स विथ R&D। थैंक यू सो मच।